हेलो गाइस, ये दूसरा टॉपिक डाल रहा हूँ कैमिल के सेटिंग के बारे में, वाल के। ठीक है, वही थंडरबोर्ड है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ये रैकर रॉड है ना, फर्स्ट डाल लेना चाहिए आपको। ये लंबा वाला सामने वाला आता है, छोटा वाला पीछे वाला आता है। आपको क्या करना है, ये टाइमिंग मेन रख लेना चाहिए। टाइमिंग देख रहे हो ना, ये टाइमिंग, और ये व्हील इसमें सेट करना चाहिए। देखिए टाइमिंग बैठ गया है। बाद में आपको ये ट्यूबलर डालना चाहिए। इस तरह से इजी बढ़ जाएगा। आप कैमिल में डालेंगे तो इजी नहीं बढ़ेगा आपको। ये व्हील काफ़ी बहुत सारे भाई सामने वार सेट करते हैं, सामने वार मत करिए, पीछे वार ही करना चाहिए। पीछे वार करने से क्या फ़ायदा होता है, ये जो पिछड़ा दिख रहे हो ना, ये हाइट होता है थोड़ा, देखो देख सकते हो। थोड़ा टर्न हो रहा है, शायद वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन व्हील में तो क्लियर मालूम हो जाएगा आपको, हाइट हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये क्या करना है आपको, थोड़ा सा टाइट बना के छोड़ना है, लगना है चाहिए व्हील। थोड़ा टाइट करने के बाद आप लोग नट डाल के लॉक कर सकते हो। लॉक करके आप लोग नट लॉक करना चाहिए। देख सकते हो, ये दोनों नट लॉक करके ये व्हील क्लच चेक करना चाहिए आपको। इस तरह से फ्री रहना चाहिए, ये इस तरह से मारने से साउंड नहीं आएगा, ये प्ले रहने से आएगा साउंड आपको। अभी थोड़ा प्ले है, ये लेस हो गया है। एक जगह टाइट आएगी व्हील, वो टाइट चेक करना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए परफेक्ट आ जाएगी, परफेक्ट आ गई व्हील सेटिंग। थोड़ा टाइट रखना चाहिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। एक जगह टाइट आएगी तो ये क्रैंक आउट रहने से आएगी, परफेक्ट थ्रू कोई सी गाड़ी में भी नहीं आएगा, बुलेट में थोड़ा आउट ही रहेगा। आउट के पास थोड़ा टाइट आएगी व्हील, बाकी जगह फ्री आना चाहिए। अब दूसरी व्हील सेट करके दिखाता हूँ मैं, और आप लोग टाइमिंग को रखना चाहिए। ये फुल लॉक कर लो, ये हैंड पंप का व्हील खोलना चाहिए आपको। ये भी काफी सारे भाई पीछे ही फिराते, पीछे मत फिराइए, सामने ही फिराइए। थोड़ा टाइट हो गई, अभी थोड़ा लूज कर लेंगे।
परफेक्ट सेटिंग आ गया है व्हील का। अब लॉक करना है आपको। अब ये व्हील बटाना चाहिए आपको ऑयल पंप को। देखिए प्रॉपर तरीके से बैठ गई व्हील। अब क्या करना है आपको, सिम मास्टर डालना है। एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए बोला था मैंने, ये पुराना बुलेट आता है ना उसी का आता है। ये गिरेट डालना चाहिए एक इधर। ज़्यादा हो गया तो आप लोग एक वाशर डाल सकते हो। ये बेरिंग का पार्ट नंबर देख सकते हो, यही बेरिंग आती है इसमें 61904। ये बेरिंग को थोड़ा टर्न कराना चाहिए आपको।
देख सकते हो इसकी टर्न कराने के लिए आर एक्स 100 की क्रैंक की पिन आती है, स्टैंडर्ड वाली या एक नंबर वाली या दो नंबर वाली कोई भी पिन आ जाएगी, आर एक्स 100 की आ जाएगी। थोड़ा टैप करना चाहिए आपको, देख सकते हो कट बढ़ गई पिन। आपके लिए और एक काम करना है इसमें, ये जो वाशर देख रहे हो ना, ये साइड कवर वाला टूल बॉक्स वाला वाशर आता है ना बुलेट में, साइड को टूल बॉक्स उस वाला वाशर इसके पीछे डालना चाहिए आपको। डालने से क्या होता है कि ये बीरिंग है ना लूज़ हुए तो भी बाहर नहीं आएगी, आपको वहीं पर रहेगी, बीरिंग जाने का चांसेस कम रहेगा आपको। लग रहा है कि
फटाफट आपको यारिज कवर डाल के इंजन ऑयल डाल के मैं वीडियो स्टार्ट करके साउंड लेस करके दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस पूरा आरएच कवर फिट हो गया है, अब स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा टाइट करना चाहिए, जरा रख दे, जरा रख दे। हल डाला नहीं है, प्लग में आओ, प्लग में जाओ, वहाँ रहो। ऐसी डाला है कि जरा गया प्लग में, प्लग पहला बना है। Thank you.
फिलहाल सेट हो गया है। अब रैकर कवर डाल के आपको वीडियो बनाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ, गाड़ी कितना स्मूथ हुआ साउंड देख सकते हो गाइस। पूरी फिटिंग हो गई गाड़ी, स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ, तो कितना प्यारा साउंड हो गया है। पहले भी आपको 90% साउंड लेस हो गया है, शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा काम अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो तो सब्सक्राइब करिए, मत करना है तो मत करिए। अस्सलाम वालेकुम।